भ्रष्टाचार। जय हिंद, जय बाबा। माल चोर है, मैं उसे जीवन जीता, इतने आया तो जिया कहना जिंदाबाद। मैं सारे चोर है, जिंदाबाद। योजना इन्होंने बनाई, आम आदमी पार्टी ने 40 चोर ते अली बाबा की जो पॉलिसी है यो पॉलिसी है। ऐसा भी इन्होंने मुहिम चलाई है कि असली गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गली गली में चोर है, जिंदाबाद। गली गली में चोर है, केजरीवाल चोर है। एक मिनट तुसी रहन दो। प्रधान जी, अज प्रोटेस्ट किया जा रहा, डीसी साहब नु मंग पत्र दिता, की वजह अज? देखो, एक बहुत बड़ा घोटाला पिछले दिन ही दिल्ली सरकार का उजागर होया, एक्साइज ड्यूटी का, जिदे खिलाफ पिछले बड़े लंबे समय तो आवाज़ उठ रही थी और आवाज़ उठ रही थी। उन्होंने नाल के कुछ लोगों ने इल्जाम लगाए थे कि ये एक बहुत बड़ा घपला होया और अज CBI ने जांच की, तो लगभग वो 1500 to 2000 crore का घोटाला बाहर आ रहा, जिदे उत्थे दे उप मुख्यमंत्री और लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई और वो चार्जशीट के केजरीवाल का नाम भी आ रहा। तो इस तर्ज के उत्ते पंजाब दे विच एक्साइज की जिहड़ी नीति बनाई गई है और बहुत बड़ा एक इहदी जांच का विशा बनता कि ये जिहड़ी उहदी तर्ज ते बनाई गई है कि पंजाब दे विच भी एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा और उहदी जांच CBI तो कराई जाए और इस एक्साइज ड्यूटी तो पंजाब नूं मुक्त कराया जाए। क्योंकि पिछले दिन तो ये कहिंदे सी असीं पंजाब नूं एक नवीं पॉलिसी देवांगे, नवें ब्लू प्रिंट देवांगे जिहदे नाल पंजाब तरक्की ते जाऊगा, लेकिन जो नज़र आ रहे आ कि ये लोग रल के एडे वड्डे घोटाले कर रहे हैं, वे कांग्रेस नूं भी मात देन जा रहे हैं। सो इसलिए असीं अज DC साहब नूं इहदे खिलाफ मंग पत्र दिता भी इहदी जांच की जाए, इहदी जांच CBI तो कराई जाए और ये जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी है इहनूं बदलिया जाए। पर मुख्यमंत्री ते राजपाल विचाले तलखी की लगता तुहानूं कि तुसीं जांच की मंग कर रहे हो, उधर तो कोई जवाब देंदे नहीं, इधर की जवाब देंदे? वो तो माननीय हाई कोर्ट ने भी इहदे च बोलता और दूसरे पासे मैं एक बड़ी क्लीयर जी गल थोड़े नाल सांझी करदा कि एक दिन तो कहिंदे आ कि मैं तुहानूं जवाब दे नहीं, माननीय राज्यपाल नूं तुहानूं कुछ दसण लई मैं पाबंद नहीं, मैं 3 crore जनता नूं दसूंगा। अगले दिन माननीय राज्यपाल नूं चिट्ठी लिख के इजाजत मंगदे ने भी सानूं सैशन बजट सैशन लई इजाजत दित्ती जावे, तो ये डबल जिहड़ा स्टैंडर्ड है किवें चलूगा? अगर वह नहीं इस गल दे लई तां उहनूं मतलब फिर वह अपने आप सैशन बुला लैण ना। अगर वह कानून के एडे 3 crore या 5 crore पंजाब की जनता के कहने की गल करते हैं, वो पंजाब की भोली भाली जनता नाल भी कान कर रहे हैं, देश के संविधान भी वो खूंटी से टंगना चाहते हैं। पर केंद्र दे विच सरकार तुहाडी है, किस तरीके दे नाल CBI जांच दी? तुसीं कह रहे हो कि CBI, देखो असी अपना लुधियाने तो लुधियाने की जनता की पंजाब की जनता की जो आवाज़ उठ रही आ उसनू असी अपने पार्टी प्लेटफार्म से चक के अगे लेके जा रहे हैं, वो आवाज़ उत्थे तक पहुँचेगी तो जरूर वो संज्ञान लिया जाऊगा माननीय राज्यपाल के थ्रू। राष्ट्रपति तक जो ये मंग पहुँचू तो सानू जरूर विश्वास है भी ये कार्रवाई होगी। प्रधान जी, पंजाब की स्थिति कितना देख रहे हो? तुम गल कर रहे हो पंजाब की पॉलिसी में सवाल चुक रहे हो, दूजे पास लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, चाहे मोहल्ला क्लीनिका की गल हो भी जी टेस्टिंग की सुविधा बंद करती। देखो ये तुसी आप ही ये गल कह रहे हो, मैनू ये बारे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिस ढंग दे नाल धोखाधड़ी हो रही आ और पुरानिया इमारतों नूं महला क्लीनिक च बदलन दे लई जिन्ने पैसे खर्च हो रहे ने, जनता का रुपया पंजाब का रुपया जाया बेकार जा रहा, ये तो बड़ी होर की पंजाब की जनता दे नाल घाण हो सकता कि वो पुरानी पॉलिसियां नूं और नवी पेंटिंग करके उस परोसन की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साढ़े तो ऑलरेडी वैसे ही डिस्पेंसरियां जगह जगह चल रही ने, अगर मोडिफाई करना तो जड़िया चल रही डिस्पेंसरियां उन्होंने मोडिफाई कर लैन। असी कोई विरोधी थोड़ा, अस तो चाहते हैं कि हर जन तक सुविधा पहुँचे, लेकिन सुविधा पहुँचे तो दसो सिविल हॉस्पिटल का पिछले एक साल च की सुधार किया,
कोई अगर तुहानूं नज़र आए तो तुसीं दसो, नहीं आपां शाम नूं चलदे इक वारी सिविल होस्पिटल का दौरा कर लैंदे आ, सानूं सब कुछ नज़र आ जाएगा। एक वीडियो काफ़ी वायरल होंदी, लोग कहिंदे ने कणक सेंटर वल्लों आ रही, इन्हां ने कार्ड कई कैंसल कीते, रौला पिया। देखो जिहड़ा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट दे विच तां पिछले काफ़ी समय तो बड़ा लंबा घपला हो रहा, उहदे विच माननीय एक मुख्यमंत्री एक मंत्री भी जेल कट रहे ने, और उस तो बाद वो रुकिया नहीं, वो उस ढंग नाल जा रही है। क्योंकि मैं तुहानूं एक गल क्लीयर दसदा, इहदे च भोले भाले डिपू होल्डरां दा कोई कम नहीं है, इहदे विच जिहड़ी है एडमिनिस्ट्रेशन आ, जिहड़ी अफसरशाही आ, जिहड़े अंगूठे ला के खोलदे ने, उहनां दा वड्डा योगदान आ। सारा कपड़ा वो अफसरशाही दे सिर ते हो रहा, अफसरशाही अपनी जगह ते विराजमान आ, ते लेकिन बाकी तंत्र बदले जा रहे ने। छोटे छोटे डिपू हील्डर होल्डरां नूं बली दा बकरा बना के किसी की सप्लाई बंद कर देंगे ने, किसी ने कुछ दसंदे ने, जबकि वो इहदे च वजह नहीं हन, वजह वो अफसर हन जिहड़े जिन्हां नूं मुअत्तल करन दी जरूरत आ। और जे जल्दी इहदे ते कोई ना होया तां बड़ी जल्दी असीं इस मुद्दे नूं भी बड़े वड्डे स्तर ते चक्कण जा रहे हां। देखो इस तरह हैगा कि दिल्ली के अंदर एक पुराना बड़ा चल रहा सीगा कि नवी शराब पॉलिसी जिहड़ी है उत्थे लैके आए सी दिल्ली के अंदर, और उहदे विच बड़े लंबे समय तो CBI की जांच चल रही थी, और जांच दे विच पाया गया कि दिल्ली की जिहड़ी सरकार है उन्हें अपने लोगों नूं फायदा पहुँचाने वास्ते, लाभ पहुँचाने वास्ते वड्डे पद्धर ते उहदे ते कपला कीता है, भ्रष्टाचार कीता है। और उत्थे उहनां दे डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई हैगी। अज भारतीय जनता पार्टी पंजाब के सारे जिला हैडक्वाटरां ते धरने लगा रही है, और मंग कर रही है कि सेम जो दिल्ली की शराब पॉलिसी सी उही शराब पॉलिसी इन्होंने पंजाब के अंदर लागू की है, और उही लोग ने जिन्हां ने दिल्ली के अंदर शराब का व्यापार कर रहे हैं, और उही पंजाब के अंदर अज व्यापार का शराब व्यापार कर रहे हैं शराब का। साड़ी मंग ये है, असी गवर्नर साहब नूं मेमोरेंडम पहुँचाना DC साहब के माध्यम के नाल, कि जिस ढंग नाल उत्थे जांच करन तो बाद इन्हां दे खिलाफ भ्रष्टाचार पाया गया, इस तरह पंजाब के अंदर भी इन्हां दे खिलाफ इह जांच होनी चाहिए है, और CBI की जांच की असी मंग कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे नेता जिथे अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, अज पंजाब के अंदर 3 MLA इन्हां दे सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के रूप के पाए गए हैं। सब तो पहला विजय सिंगला उन्होंने खुद अंदर किया, फिर फौजा सिंह सरारी की वीडियो आई, और हुण तीसरा इन्हां दा बठिंडा दिहाती का जिहड़ा अमित रतना उन्हों पकड़िया गया है। सो मैं समझदा कि एक कट्टर ईमानदार नहीं, एक कट्टर बेईमाना की पार्टी है, और पंजाब दे विच असी मंग करते हैं कि पंजाब दे विच गवर्नर साहब DC साहब के राही जिहड़ा असी मेमोरेंडम देना कि पंजाब दे अंदर भी CBI की जांच हो। गवर्नर जी तो पहले ही नहीं वह सुन रहे, गल करिए CM ते गवर्नर दे विचाले तलखी जिहड़ी है लगातार देखने मिल रही है। नहीं देखो गवर्नर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब दे भले दी, पंजाब दे हित दी गल करते हैं, पर मैं समझदा कि ये सरकार जिहड़ी हैगी है पंजाब दी, ये दिल्ली तो निर्देश लैके चलती है, इहदे पिछे केजरीवाल साहब और जिहड़ा राघव चड्ढा है वह कितें ना कितें इन्हां दे तुणके हिलांदे ने। और मैं समझदा कि पंजाब नूं सही और ठीक सेध देण दी बजाय पंजाब नूं एक अराजकता वल लैके जा रहे ने, पंजाब नूं पंजाब दा जिस तरह ढंग नाल लॉ एंड आर्डर विगाड़िया वो एक बहुत वड्डा प्रश्न पंजाब दे सारे पंजाबियों के उदे ते है कि किन्ने चा नाल और मत्ते नाल इन्हां नूं वोटां पईआं सी, और पंजाब दा माहौल इन्हां ने खराब करके रखता। सो गवर्नर साहब जो कर रहे हैं, गवर्नर साहब तो पंजाब के हित की गल करते हैं, पर मैनूं बड़े दुख नाल ये गल कहना पै रहा कि इन्हां नूं ना तो कानून का पता है, क्योंकि एक संविधानिक और पंजाब के सब तो उच्च स्थान पर बैठा व्यक्ति उन्हें इस ढंग नाल तोड़िया जाता, कानून अपना काम कर रहा है। केंद्र दे विच सरकार तुहाडी CBI जांच की मांग करते हो कि लगता नहीं नहीं इस तरह नहीं होंगे, कुछ संविधान होंगे और संविधान के पंजाब सरकार दसना होंगे कि ये जड़ा है घोटाला होया, पर क्योंकि पंजाब सरकार के विरुद्ध है इस करके असं गवर्नर साहब तो मांग कर रहे। देखो ये आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने आप को देश दे विच
कट्टर ईमानदार का अहुदा दिता, अपने आप ही इन्होंने अपने आप को कट्टर ईमानदार किया और तुहाडे सामने अजे कट्टर बेईमान निकले। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली दे विच शराब की पॉलिसी बनाई जिदे विच हजारा करोड़ रुपए का कपला और CBI ने जांच की और तुहाडे सामने अज जो उन्होंने उत्ते डिप्टी CM ने अज उन्होंने अरैसट किए हुए हैं। तो जो दिल्ली दे विच पॉलिसी बनाई वो पंजाब के भी जोड़े लोग ने पंजाब के अफसर पंजाब के मंत्रियों ने दिल्ली जाके सेम पॉलिसी उन्होंने पंजाब में लागू किया और पंजाब के भी हजारा करोड़ रुपए का कपला है। जे पंजाब की भी CBI जांच करेगी तो जोड़े इतों के मंत्री और जोड़े अफसर ने वो जल्दी तो जल्दी जोड़ी थोड़े सामने जेल च नजर आएंगे। तो साड़ी ये मांग है CBI तो कि जल्दी तो जल्दी जी पंजाब भी जी इनक्वायरी कराई जाए और जोड़े इतों के दोषी ने जिन्होंने देश में लुटिया जिन्होंने साडे जोड़े देश का पैसा खाधा है उन्होंने अरैसट किया जाए। देखो ये आम आदमी पार्टी का काम है सारा दिन झूठ बोलना, यह झूठा प्रचार करके लोगों पंजाब के लोगों ने गुमराह किया और अजे कोई ना कोई ड्रामा करके और अजे महला क्लीनिक के नाँ दे भी इन्होंने लुटिया। साडे जिहड़े सेवा केंद्र बने सी पहलों उन्होंने विच देखो सारे कमरे बने सी सिर्फ रंग करा के और एक दो कुर्सियां लगा के इन्होंने 20,000 रुपए का खर्चा किया, भी जांच होनी चाहिए क्योंकि वो भी 1 करोड़ रुपए का कपला है और अज जे उतों के टेस्ट करने वाले जो लोग से जिन्हों की ड्यूटी से वो भज गए हैं। ये सिर्फ झूठा प्रचार करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साडे देश का पैसा साडे पंजाब का पैसा जिहड़ा इकट्ठा करके ये सिर्फ एडा दे ला रहे हैं तुहाडे सामने हर गली ते महल्ले ते देखो इन्हां दे बोर्ड लगे ने साडा काम बलदा है साडा काम बोलदा है, इन्हां दा कोई काम नहीं बोल रहा, इन्हां दा पंजाब दे विच झूठ बोल रहा झूठ विक रहा और साडे लोग गुमराह हो रहे हैं। मैं अपने वीरां नूं भरावां नूं पंजाब वासियां नूं बेनती करांगा आओ जी असीं पंजाब नूं बचाउणा पंजाब नूं नक्शा मुक्त करना है तो सानू इन्हां तों जिहड़ा वे इन्हां दे विरोध खड़ा होकर जिहड़ा वे विरोध करके इन्हां नूं बचाउणा चाहीदा वे और इन्हां नूं सख्त तों सख्त सज़ा दिवाउणी चाहीदी है। मोहल्ला क्लीनिक दे विच टेस्टिंग दी सुविधा वाली जिहड़ी कंपनी है वो भज गई है और किस तरीके नाल लगातार विरोध हो रहा है भाजपा किस तरीके नाल देख रही है? देखो सच हमेशा सामने आंदा, जिहड़ी कट्टड़ बेईमान पार्टी आपणे आपणे ईमानदार कहिंदी सी अज उहदे हालात लोकां च आ गया जिहड़े कंपनी भज गई है क्योंकि जो रेट दिते जा रहे वो रेट पूरे नहीं किए जा सकते। ये कहते सी नौकरियां देंगे, मोहल्ला क्लीनिक का की सीगा हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर के उत्ते जिहड़े पैसे केंद्र सरकार वल्लों करोड़ों रुपए के सैकड़े करोड़ रुपए के फंड आए सी वो यूज़ करके एक अपना पार्टी का नाम यूज़ किया गया सी आम आदमी वो यूज़ करने वास्ते अपनी TRP वधाने वास्ते जिदा पहला भी IAS अफसर ने साहब ने गल की सी भी 10 करोड़ का मोहल्ला क्लीनिक बना के 30 करोड़ की ऐड दी गई उन्होंने फटाफट बदल दिता गया। ये चीज़ा बहर आनिया ही सगिया अज लोग जागरूक हो गए पंजाब दे विच पूरी तरह जिते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल हो चुकी है उत्थे जिहड़े इन्होंने झूठे वादे किए वो भी फ्लाप हो चुके। तो आने वाले टाइम के जिदा संगरूर के लोगों ने इन्हों जवाब दिता आने वाले टाइम के चाहे मेयर दियाँ चोणा आ रही तो चाहे अगों MP दियाँ चोणा आ रही पंजाब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने लगे क्योंकि जिथे भारतीय जनता पार्टी गई उत्थे सच की गल की है तो जो वादे किए पूरे किए। भाजपा किस तरीके आवाज उठा रही है क्योंकि देखो बहुत खज्जल खुआरी हो रही है चाहे रजिस्ट्रीकरण की खज्जल खुआरी करिए चाहे मोहल्ला क्लीनिक की गल करिए चाहे आम गल करिए हर गल से खज्जल खुआरी चाहे लॉन ऑर्डर की गल करिए बच्चे बच्चों की सेफ नहीं है हम रजिस्ट्रियां NOC के उत्ते देखो कितनी प्रॉब्लम है। दूजी गल हूँ नवा काम करता भी पटवारी साहब ने कहता भी 30 साल का रिकॉर्ड लैके आओ ये खज्जल खुआर जनता हो रही है तो यही सी जिदा एक मौका कहते एक मौका दो एक मौके से पंजाब में मिल गया धोखा तो इस धोखे का जवाब तो हम लोगों ने देना असं प्रोटेस्ट करते हैं हूँ अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं लोग अपने आप मुहारे होकर आ रहे हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि मुहारे होकर अगे लगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिते गई है उत्थे सारा जिहड़ा सिस्टम ठीक होया तो सिस्टम ठीक हर बंदा चाहता अच्छ भारत का हर वासी चाहता कि सिस्टम ठीक हो।